नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देख रहे हैं द क्वेश्चन आवर भारत। आज अष्टमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। 2-3 दिन में सब नवरात्र का माहौल ओवर हो जाएगा, फिर दशहरा, फिर दिवाली, फेस्टिवल्स का माहौल चल रहा है अभी हाल में। लेकिन कोरोना की वजह से बहुत लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। लेकिन इस बीच में आपके लिए कुछ मिनट की 2-3 मिनट की क्लिप लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो देखें। जब मेरा पोर्शन ख़त्म होगा वो क्लिप शुरू होगी। उसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दूँ आपसे कि ये क्लिप एक गेम की है, उसका नाम है राजी। वो गेम भारत की है, भारत में बनी है, हमारे भारतीय सभ्यता के हिसाब से बनी है, हिंदू कल्चर को डिपिक्ट करती है, देवी देवताओं के बारे में है। उस गेम में लगातार विष्णु जी, दुर्गा जी, इन लोगों की आवाज़ें सुनाई देंगी। अभी जितना मैंने खेला है वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अगर किसी ने नहीं खेला है, मैं चाहता हूँ आप जाइए, खरीदिए, खेलिए। अगर हम लोग एक चाइना की गेम के ऊपर 1,000 रुपये खर्च करके उसको खरीद सकते हैं, तो भारत के लिए 350 से 500 के बीच की गेम है, जहाँ तक मुझे पता है 350 की है। आप खरीदिए, खेलिए, स्टीम पे मिल जाएगी। और अगर कोई ऑलरेडी खेल रहा है, खेल चुका है, तो अपना रिव्यू कि आपको कैसी लगी बताइए। तो मैं चाहता हूँ ये देखिए। और वो क्यों देखिए मैं पहले ये बता दूँ, कारण भी तो होना चाहिए, आप क्यों देखेंगे। ये गेम प्ले का रिव्यू नहीं है। गेम खेलते वक्त बीच में आपको कई जगह ऐसे एहसास होंगे, कई जगह ऐसे तस्वीरें देखने को मिलेंगी, डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक जगह पूरा मंदिर का लुक था और कई जगह ऐसे आते रहेंगे पूरे गेम में। तो वहाँ पे 9 देवियाँ थी, 9 की 9, और ऐसा लगा था कि उन्होंने इस बात को दिमाग में रख के बनाया था कि नवरात्र आने वाले हैं, शायद, मुझे नहीं पता। तो 9 देवियों के बारे में एग्जैक्टली 9 की 9 हैं, और पता नहीं सीक्वेंस में लगाया है नहीं, पता नहीं, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी आप उनके पास जाते हैं, देवियों के पास खड़े होते हैं, एक्स बटन प्रेस करते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ एक दो लाइन में बताया जाता है। तो आप देखिए, सबके बारे में जानिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिव्यू कमेंट में बताइए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया है कि हम डिसाइड करें कि हम किस इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसे और मोटिवेट करेंगे, इंड्यूस करेंगे कि वो और हमारे लिए गेमें बनाएं, हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाएं, हमारे हिसाब से बनाएं, हमारे सभ्यता कल्चर को इम्ब्रेस करने के लिए बनाए, ना कि डिमीन करने के लिए बनाए, जैसे बॉलीवुड हो गया है, सिर्फ वो डिमीन करने में लगा हुआ है ना। तो जब कोई इम्ब्रेस कर रहा तो उसको आप दोनों हाथों से, खुले हाथों सपोर्ट करिए, है ना। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, कमेंट में बताइए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। Ferocious
Kalaratri, deadly warrior, slayer of demons and death of time itself. Siddhidatri, divine mistress of all perfections, gifter of the eight powers, source of all the world.